किराना सामान की ऑनलाइन बिक्री करने वाले कंपनी बिग बास्केट के डेटा में सेंध लगने की खबर है। साइबर इंटेलिजेंस कंपनी साइबल के अनुसार डेटा में सेंध से बिग बास्केट के करीब 2 करोड़ यूजर्स का निजी डेटा लीक हो गया है। बिग बास्केट ने इस बारे में बंगलुरु में साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। साइबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस हैकर ने कथित रूप से बिग बास्केट के डेटा को 30 लाख रुपए में बिक्री के लिए रखा है। साइबल ने ब्लॉग में कहा है कि डार्क वेब की नियमित निगरानी के दौरान साइबल की शोध टीम ने पाया कि साइबर अपराध बाजार में बिग बास्केट का डेटाबेस $40,000 में बेचा जा रहा है। SQL फाइल का आकार करीब 15 GB है, जिसमें करीब 2 करोड़ प्रयोगकर्ताओं का डेटा है। इसमें कहा गया है कि इस डेटा में नाम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, संपर्क नंबर है यानी मोबाइल फोन, पता और जन्मतिथि, स्थान और IP। अब जिस डार्क वेब का जिक्र है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? दरअसल इंटरनेट की दुनिया 3 तरह की होती है, जो कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब है। इनमें से डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा है। एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी मैकफे के मुताबिक डार्क वेब या डीप वेब प्रत्यक्ष तौर पर दिखने वाले इंटरनेट की दुनिया से करीब 3 गुना बड़ा है। डार्क वेब का इस्तेमाल भी गैर कानूनी है। डार्क वेब में दुनिया के सभी तरह के गैर कानूनी काम बेखौफ तरीके से किए जाते हैं। डार्क वेब का इस्तेमाल सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो टॉर ब्राउजर का यूज करते हैं। आपको बता दें कि टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसे में हम आपको यही सलाह देंगे कि आप डार्क वेब पर ना जाएं, क्योंकि ये गैर कानूनी है। डार्क वेब में मानव तस्करी का भी काम होता है। वीडियो डेस्क, AmarUjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।